और इससे पहले कि हम आगे चलें, आपको अहम खबर बता दें, आईएसआईएस पर 7 भारतीयों के अगवा करने का शक है। ये आईएसआईएस के आतंकवादी हो सकते हैं, ये शक अब गहराता जा रहा है। लीबिया से घर लौटते वक्त भारतीयों को अगवा किया गया, आईएसआईएस के आतंकियों पर शक गहराता जा रहा है कि ये उन्हीं की कारस्तानी है। पहले भी अपहरण की घटनाओं को ये आतंकवादी अंजाम देते रहे हैं। पहले भी लीबिया में, जैसा कि हमारे मेहमान भी बता रहे थे, कि इस तरह की घटनाएं पेश आती रही हैं। 8 सितंबर 2015 को डॉक्टर राममूर्ति कोसानम समेत 6 भारतीयों को आईएसआईएस ने बंधक बनाया था। करीब 18 महीने बाद आईएसआईएस के चंगुल से ये छूटे थे। 31 जुलाई 2015 आईएसआईएस ने लीबिया में 4 भारतीयों को सिरते से अगवा कर लिया था। विदेश मंत्रालय की पहल पर बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें छुड़वाया जा सका था। 2 अगस्त 2016 को लीबिया में ऑयल कंपनी ने 3 भारतीयों को अत्याचार का विरोध करने पर बंधक बना लिया था। व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने अपनी दास्तान बयान की थी, बचाने की गुहार लगाई थी, और उसके बाद उन्हें रिहा कराया जा सका था। मुन्ना जो इनमें से, इन 7 भारतीयों में से एक मुन्ना चौहान भी हैं, और लल्लन उनके रिश्तेदार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लल्लन, आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो, फोन लाइन पर लल्लन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको ये पता कैसे चला और फिर आपने किया क्या है अभी तक? हमको जब ये पता चला तो हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं, कहते जाइए जल्दी से, टाइम कम है। ये बताया था कि 17 को वापिस आ जाएंगे दिल्ली में, तो 17-18 तो मैं इंतजार किया, नहीं आए। तब जाके मैंने एक नंबर मिला जिसमें उसने जो है जेंडी इंटरप्राइजेज में संपर्क किया। उस नंबर पे संपर्क करने के बाद वहां से कोई जवाब नहीं मिला कि मैंने भेज दिया हूँ, तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आए कि नहीं आए ये मैं नहीं बता सकता। उसके बाद मैं 27 सितंबर को दिल्ली पहुंच गया, और वहाँ पहुँच करके मैंने जेंडी इंटरप्राइजेज में संपर्क किया। वहाँ जाने के बावजूद भी वहाँ पे जो बैठे बाबू हैं, क्लर्क हैं, वो सही से बताने को बात तैयार नहीं थे। हम अपनी बात पूछते थे, वो झला के अपना काम करने में शुरू जाते थे। नहीं तो ये आपको कब बताया गया कि उनको अगवा कर लिया गया है, अपहरण हो गया उनका और फिरौती मांगी जा रही है, कब किसने बताया? मैं बता रहा हूँ आपसे आगे पास। फिर उस कंपनी में हम लोग गए, तो फिर जो है वो बाबू फोन किए तो गौरव आए कंपनी के मैनेजर। हेलो जी, जी बोलिए। हाँ, गौरव जी से बात हुई। मैंने कहा कि मैं इस नंबर पे फोन करता था तो मुझे कोई सूचना नहीं मिलती थी, लास्ट में मुझे मजबूर होकर के आपके कंपनी में आना पड़ा। क्या बताइए, चलिए लल्लन आपने तो बताया, उधर साजिद को क्या पता चला? इब्राहिम जो कि गुजरात से गए थे यहाँ पर, उनके भाई को कब पता चला कि उनके भाई का अपहरण हुआ है? साजिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साजिद आपको कब पता चला कि ऐसी घटना हो गई है उनके साथ? हमारे को 17 तारीख बाद मैं फोन किया। कैसे पता चला 17 को? 17 तारीख को एजेंट ने फोन किया, एजेंट ने बोला कि वो कोरोना है, इसके लिए सबको रख दिया है। किस एजेंसी के जरिए गए थे ये इब्राहिम? दिल्ली के गौरव के लिए। चलिए, दिल्ली में ही वो एजेंसी भी है, और इस तरीके से आप देख रहे हैं इन एजेंसीज ने उनको वहां पहुंचाया, कुछ को तो सूचना दी कि ऐसी कोई घटना आ गई है उनके साथ पेश, लेकिन बाकियों को तो बताया भी नहीं गया। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के? क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootghar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे फिक्र आपकी।